वेरी गुड इवनिंग क्लास। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे एक मॉक पेपर, पेपर से पहले पेपर, हालांकि आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चंस आएंगे जो लिटरेचर के होंगे और 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके जीएस सेक्शन से। तो हम जीएस सेक्शन इसमें नहीं करेंगे, बल्कि कुछ क्वेश्चंस मैंने बढ़ा दिया है। 80 के अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जो कोशिश करिए कि आपको अप टू द मार्क क्वेश्चन दूं और इजी टू मॉडरेट टू टॉप लेवल, सारी चीजें इंक्लूड है। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कम टू द पॉइंट। और ऑल दीज आर द पैराफर्नेलिया एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन नो ऑन योर ओन, आई डू नॉट नीड टू से एनीथिंग। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। दीज आर द नंबर्स यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर टेक्निकल सपोर्ट एंड मेनी अदर थिंग्स। और हम शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। पहला सवाल जो है शुरू करते हैं हम, ये 19 को आपको पेपर है और सारा सेंटर लखनऊ में है, सबको पता है। लखनऊ में आप एक दिन जाने में आपके ट्रैवलिंग तो में लग जाएगा, जनरली जो दूर से हैं। दोज हु आर फ्रॉम लखनऊ तो दे आर इन गुड पोजीशन, बट दोज हु आर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल तो उनके लिए थोड़ी सी मतलब दिक्कत है। तो आप, क्योंकि ये ऐसा रेनी सीजन चल रहा है ना, कि मतलब जिसमें दोज हु आर प्लूवियोफाइल एंड ऑम्ब्रोफाइल नाउ हैव बिकम ऑम्ब्रोफोब। आप जो पहले बरसात को पसंद करते थे, अब वो क्या हो गए हैं, वो अब ऑम्ब्रोफोबिया हो गया उनको। पहले ऑम्ब्रोफाइल थे या प्लूवियोफाइल, जिसको रेन से डर लगता है उसको ऑम्ब्रोफोबिया कहते हैं, उस फीलिंग को। तो अब चेंज हो गया, आप मौसम को देखते हुए अपनी तैयारी अपने आप करें। सो आई विल नॉट टेक योर टाइम, लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स है आपको चुनना है यहां पर। दरअसल क्या होता है, समटाइम्स हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम वर्ड्स ही पहली बार सुनते हैं, तो ये हमें समझ में नहीं आता कि वर्ड्स है क्या। तो ये क्या होता है, डॉन से ही पढ़ा जाता है, डॉन्स्यूज, क्या है उसकी स्पेलिंग, तो अब हम देखेंगे। दरअसल क्या है, DANSUESE, दरअसल एग्जैक्ट वर्ड क्या है, अगर आप आंसर दे चुके दे सकें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं तो दूंगा ही, मेरा तो काम ही है। तो फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग आपको लिखनी है, और ये अक्सर परेशान कर देता है, ठीक है। तो वर्ड है डॉन्से, क्या है, दिस वन इज द करेक्ट वन, डॉन्से या डॉन्स्यूज पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है अ फीमेल बैले डांसर। क्या होता है इसका मतलब, अ फीमेल बैले डांसर। अब बैले डांस तो आपने देखा ही होगा, कैसे वो भाई अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को पसंद होता है। अब फीमेल बैले डांसर इसका मतलब होता है, तो स्पेलिंग आप देख लीजिए क्या है, DANSEUSE, डॉन्सर्स। तो ये जो है फीमेल बैले डांसर होता है, और ये दिस वन इज द करेक्ट वन। और वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारे पास है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एटिकेट, एटिकेट, एटिकेट एंड एटिकेट, विच वन इज करेक्ट, ऑल हैव द सेम स्पेलिंग, नॉट सेम स्पेलिंग। अब देखते हैं, अब क्या है हमारे पास, ये जो है और ये कौन सा सही है, हम देखते हैं। तो एटिकेट के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, एटिकेट हमारा कौन सा सही है, हम देखते हैं। दिस वन इज द करेक्ट वन, एटिकेट। एक और बात बता दूं, एटिकेट का मतलब जिसे हम नॉर्मल भाषा में शिष्टाचार कहते हैं, ऐसे नाउंस का कभी प्लुरल नहीं होता। अगर कहीं कोई कहे कि फिनिश का प्लुरल बना दो, तो फिनिश का प्लुरल थोड़ी ना बनेगा, तो प्लुरल नहीं होता। एटिकेट का एटिकेट्स नहीं होता, शिष्टाचारों नहीं होता। ये भी कहीं अभी एक एग्जाम में करेक्शन में आया था, तो उसमें एटिकेट्स लिखा था, तो वहां पर वही TTE, ध्यान रहे, इस तरीके का जब भी रहेगा, तो जैसे सिगरेट होता है, ठीक है,
ऑडियंस, नाउ आई थिंक आई एम क्लियर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करनी है हमें, तो हमारे पास ये कोरम है, ये यू है कोरम, और कोरम आपके पास चार ऑप्शन है कोरम के लिए, और हमारे पास वर्ड्स है, और ये विच वन इज द करेक्ट वन, तो हम बात करेंगे कोरम की. तो दिस वन इज करेक्ट वन. और ध्यान रहे कोरम लैटिन वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड है. इसका जो प्लूरल बनेगा तो कोरम्स हो जाएगा. अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा कोरम्स, ध्यान रहे. नहीं तो कोरा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा. ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ध्यान रहे. कोरम्स ही होता है, जिसको हिंदी में गढ़पूर्ति कहते हैं, तो वो कोरम ही होगा. और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कुछ और बताना था. दरअसल यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स. तो एग्स का जो ग्रुप होता है, एग्स का ग्रुप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लच बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्लच होता है. एग्स का ग्रुप जो होता है उसे क्लच बोलते हैं. और एक से एक फ्रेज बनता है, वो बता दूं, एग से एक फ्रेज बनता है एग ऑन. एग ऑन का मतलब होता है टू इनसाइट या टू अप, टू इनसाइट इन जनरल, ठीक है. और एक होता है एग हेड या एग हेडेड होता है. एग हेडेड का मतलब होता है इंटेलिजेंट. तो ये कुछ फ्रेजेस थे जो आपको बताने थे. हम आते हैं नेक्स्ट पे. ये हो गया कोरम का. नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स. हमें वैक्यूम क्लीनर होता है, सब जानते हैं वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है. आप देखते हैं वी ए सी सी यू एम ई, दिस वन इज इनकरेक्ट. बी ए सी सी यू एम, दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अब ये कंफ्यूज हो गया, तो दिस यहां पर डबल एम और ई कर दिया, इसलिए क्लियर नहीं है. और इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर. वैक्यूम की स्पेलिंग क्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वी ए सी यू यू एम, ठीक है, वैक्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. He said, "Bravo, well played, Shekhar." Or Shekhar, I think you might be watching. So he said, "Bravo, Sabas, बड़ा बढ़िया खेला शेखर भाई आपने." He said to play well, Shekhar. तो obviously ये indirect में गलत हो जाएगा. He praised for playing Shekhar well. तो now okay? हाँ देख लो उसको. ठीक. अब मुझे आइडिया नहीं. सिक्स सिक्स. ओके ही सेड ब्रावो वेल प्लेड शेखर. तो ही प्रेज़, देखते हैं हमारे पास क्या है. जुडास किस मींस, इसका जुडास किस का क्या मतलब होता है, एक फ्रेज है. और किस ऑफ डेथ, और किस ऑफ डेथ का मतलब दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग समथिंग फेलियर. वूइंग, प्रणय निवेदन करना. हाइपोक्रिटिकल, यहां पर हाइपोक्रिटिकल की स्पेलिंग थोड़ी सी टाइपो है. तो हाइपोक्रिटिकल अफेक्शन, बनावटी प्रेम, या जो फॉल्स लव जिसको कहते हैं, या फॉल्स किस जिसे आप कह सकते हैं, फॉल्स किस, ठीक है. तो ये जुडास किस होता है. और अट्रू किस होता ही नहीं, ये इसका मतलब. तो हमारे पास ऑप्शन हो गया हाइपोक्रिटिकल अफेक्शन. बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. फ्रेंच लीग, मतलब जनरली उसको शॉर्टकट में जो चलन है उसको कहते हैं, आज एफएल पे है. एफएल का मतलब है लीव विदाउट परमिशन, मतलब टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम योर वर्किंग प्लेस विदाउट गिविंग एनी रिटन, विदाउट हैविंग एनी रिटन परमिशन. और जब आप वहां जाके फिर आप साइन कर दें, तो इसको एफएल बोलते हैं. तो अ लीव फॉर मेरी मेकिंग, तो ये मेरी मेकिंग के लिए लीव तो होता नहीं है. और लीव विदाउट परमिशन, दिस वन इज द करेक्ट वन. नो लीव एट ऑल, और टू टेक अ लॉन्ग लीव, ऐसा भी नहीं है. तो आप कह सकते हैं फ्रेंच लीव का मतलब होता है टू लीव विदाउट, मतलब लीव विदाउट परमिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू ग्रीस द पाम, मतलब पाम को क्या करना, ऑयली करना. तो पाम को ग्रीस द पाम हथेली के लिए, लेकिन यहां पर शब्द क्या है, जैसे ग्रीस का मतलब आप जानते हैं लुब्रिकेट, लेकिन यहां पर ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. तो रिश्वत देना, टू ब्राइब ना, हश मनी देना कभी कभी होता है, हश मनी, मामले को रफा दफा करने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे हश मनी किया जाता है. तो हश मनी, या बैकडोर से किकबैक जिसको कहते हैं आप, किकबैक देना. द कंट्रोवर्सी सेंटर्ड, यहां पर हमें प्रपोजिशन भरना है. द कंट्रोवर्सी सेंटर्ड ब्लैंक स्पेस हिज बिहेवियर, अराउंड हिज बिहेवियर, इन हिज बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर, अबाउट हिज बिहेवियर. तो एज पर द ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो बी विल गो फॉर अराउंड, राइट. बी विल गो फॉर अराउंड, एंड हियर आवर आंसर इज अराउंड.
नेक्स्ट वन, अरुण वॉज डिलाइटेड, अरुण इज माई चम, चम का मतलब होता लगोटिया यार, ठीक है, चम क्लोज फ्रेंड, इट इज नॉट क्लोज, इट इज क्लोज, क्लोज का मतलब बंद करना होता है, क्लोज का मतलब पक्का होता है, तो अरुण वॉज डिलाइटेड, और डिलाइटेड माई सक्सेस, ऑन माई सक्सेस, विद माई सक्सेस, अपॉन माई सक्सेस, तो यहां पर हो जाएगा डिलाइटेड एट माई सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट वन, डोंट वेस्ट योर टाइम इन जगलिंग, इन जगलिंग वर्ड्स, बाय वर्ड्स, एट वर्ड, फॉरवर्ड, विद वर्ड, अगर हम फ्रेज की बात करेंगे तो जगल विद वर्ड्स होता है, तो यहां पर हम क्या हो जाएगा, जगलिंग विद वर्ड्स, ठीक है, जगलिंग विद वर्ड्स की बात करेंगे हम। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास यू आर डेस्टिंड, और डेस्टिंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू, डेस्टिंड टू द बार, यू आर डेस्टिंड टू द बार, फॉर, बिहाइंड, एट, ये इस प्रकार की चीजें हैं, तो यहां पर यू आर डेस्टिंड टू द बार की बात करेंगे। दरअसल आपके पास भी समय कम है और मेरे पास तो बिल्कुल कम है, तो इसलिए मैं आपको केवल एक रफ आइडिया दे रहा हूं। चेंज इन टू द पैसिव, ड्राइव अवे द कैटल, तो ड्राइव अवे द कैटल जब हमें सेंस मिलता है इस तरीके का, तो हम क्या करेंगे, ड्राइव अवे, लेट द कैटल बी ड्रोव अवे, तो यहां पर आपको प्राइमा फेशी गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ड्रिवन। वैसे ड्रिवन एक बायोग्राफी है, किस क्रिकेटर की है आप बता सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि जीएस भी आ सकता है, तो उसमें उसके पहले कुछ है ड्रिवन, तो बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं आप जानते हैं, लेट द कैटल बी ड्रिवन अवे, तो उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यही सही हो जाएगा, दिस वन इज करेक्ट, द कैटल शुड बी ड्रिवन अवे, नहीं हो सकता, यू आर रिक्वेस्टेड टू ड्राइव अवे द कैटल, ये नहीं हो सकता है, सो आर ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, आई एक्टेड हिज एडवाइस, अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस, अपॉन हिज एडवाइस, ऑन हिज एडवाइस, एट हिज एडवाइस, जैसा कि मैंने बताया है, कोई भी प्रीपोजिशन जो एक्ट के साथ ऑन भी लग सकता है, एक्ट के साथ फॉर भी लग सकता है, और एक्ट के साथ अपॉन भी लग सकता है, लेकिन माय डियर तीनों का मतलब अलग अलग होता है। एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज पे काम करना, जैसे मेडिसिन एक्टेड ऑन मी या ऑन हिम, दवा ने उस पर काम किया, या इस एक्ट फॉर मतलब टू एक्ट फॉर समवन हु इज एब्सेंट, किसी के एब्सेंस में आपको काम करना, जैसे मिस्टर सिंह इज वर्किंग एज एक्टिंग प्रिंसिपल, मतलब ही इज एक्टिंग फॉर द प्रिंसिपल, नो आई एम एक्टिंग फॉर माई प्रिंसिपल, इस तरीके से कह सकते हैं। एक्ट अपान का मतलब होता है किसी के सजेशन पे काम करना, तो यहां पर एडवाइस है, तो यहां पर हो जाएगा एक्ट अपान, ठीक है, वो अपान के लिए कोई वस्तु गति कराए जो स्थान उसे मिल जाए, जैसे हम लोगों ने बहुत पहले टेंथ में जब एग्जाम दिया था, तो न्यूटन के पास एक कुत्ता था, एक दिन अचानक टेबल पे कूद गया, ही जंप्ड अपॉन द टेबल, ऑन द टेबल नहीं होगा ना, क्योंकि उसके बीच मोशन हो जाएगा, कोई वस्तु गति कराए जो स्थान उसे मिल जाए, अपान उसी के पहले आए, एक्ट क्रिया को भी मन भाए, तो ये प्रीपोजिशन, ये दोहा आपको जो भी आप कह सकें ये आपको बताया गया है। आगे देखते हैं, गिव द सिनोनिम, ये सिनोनिम्स नहीं होगा, सिनोनिम होगा, और अब सिनोनिम्स भी मैं दे देता हूं, अब सिनोनिम्स लिखा तो दे ही दूंगा, जेनिथ, और जेनिथ का मतलब क्या होता है, जेनिथ का मतलब हम देखते हैं, पहले पिनाकल होता है, हाँ पिनाकल होता है, पीक होता है, मेरिडियन होता है, हाँ पीक होता है, समिट होता है, ठीक है, मेरिडियन होता है, मेरिडियन दिया ही है उसमें, मेरिडियन होता है, हाँ क्लाइमैक्स होता है, हाँ क्लाइमैक्स होता है, एक्मी होता है, तो ये क्योंकि अब उसमें सिनोनिम्स लिख दिया था इसलिए बता दे रहा हूं, तो आप देखें ये पिनेकल जो है और समिट जो है बहुत पूछता है इसलिए बता दे रहा हूं, और कि बाकी तो और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और जेनिथ होता ही है, जेनिथ टॉप जिसको बोलते हैं, जेनिथ का और जेनिथ का सिनोनिम जो होता है एकदम, हमें सिनोनिम देना है, कलोसल मतलब बहुत विशाल होता है, कैलस, कैलस का मतलब एकदम क्रूएल होता है, नैडिर का मतलब उसका तो एंटानिम हो जाएगा, हालांकि यहाँ एंटानिम लिखना चाहिए था, वो लिखो आप, क्योंकि मेरिडियन यहाँ शामिल है, तो हम मेरिडियन पे चले जाएंगे, क्योंकि हमें सिनोनिम देना था इसलिए हम सिनोनिम की बात करेंगे, दरअसल इसमें होना चाहिए था एंटानिम, वो टाइपो है, और क्योंकि अब सिनोनिम दे दिया है तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जेनिथ का मेरिडियन हो जाएगा, क्योंकि मेरिडियन का भी मतलब होता है पीक, ला मेरिडियन एक इस तरीके से, और नेडिर इसका सिनोनिम एंटानिम होता तब नेडिर हो जाता, क्योंकि यहाँ सिनोनिम पूछा है इसलिए हम, कलोसल का मतलब होता है वेरी ह्यूज, इसका मतलब वेरी ह्यूज होता है, तो ये भी सारी चीजें, नेडिर का मतलब होता है बॉटम, जो निचला पॉइंट होता है, तो टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो जेनिथ टू नेडिर की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द सिनोनिम्स, यहाँ प्यूरिलिटी है, तो हम ये जानते हैं एक वर्ड होता है प्यूराइल, और प्यूराइल का मतलब क्या होता है, चाइल्डिश ना, चाइल्डिश होता है, और जो चाइल्डिश होगा कैसे होगा, वो इमेच्योर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इनएक्सपीरियंस होगा,
ठीक है, तो इमेच्योर हो गया, तो क्योंकि हमें इसको सिनोनिम देना है, तो सिनोनिम का मतलब अगर एंटोनिम देना होता तो मैच्योरिटी हो जाता, हमें इसका सिनोनिम देना है प्यूरिलिटी का, तो हमें इमेच्योरिटी हो जाएगी, तो इमेच्योरिटी इज द करेक्ट वन। गुडनेस हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, मैच्योरिटी आप जानते हैं, आप सभी लोग मैच्योर लोग हैं, हाँ, तो ये काफी चीजें आपको पता हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, किस पार्ट में गलती है। लेट मी हैव सम वाटर, देन आई विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो एक कहावत होती है मनी मेक्स, उसके बाद क्या है मेयर गो, हिंदी में इसको कहते हैं दाम बनाए काम, मतलब बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसको हिंदी में कहते हैं दाम बनाए काम, ठीक है। अब दाम बनाए काम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मनी मेक्स, क्या हो गया मनी मेक्स द मेयर गो, वो फ्रेज क्या है पूरा, मनी मेक्स द मेयर गो, मनी मेक्स द मेयर गो, ये पूरा सेंटेंस है। यहां पर आर्टिकल द इज मिसिंग, तो दिस वन दिस पार्ट हैज एन एरर, इस पार्ट में गलती है, ठीक है, दिस पार्ट हैज एन एरर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम, क्या है ही और दैट ही वुड टेक रिवेंज अपॉन हर, उसने कसम खाया कि उससे बदला लेगा। अब क्योंकि यहां पर जो है ये पास्ट में है, तो ये पास्ट में है तो स्वेयर तो हो नहीं सकता, शोर तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, स्वेयरिंग का कोई चांस नहीं बनता, इसलिए क्या हो जाएगा श्योर, ही श्योर दैट, उसने कसम खाया दैट ही वुड टेक रिवेंज अपॉन हर। वैसे फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, तो ये रिवेंज नहीं लेना चाहिए, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ, जो कमजोर व्यक्ति होता है वो रिवेंज लेता है, जो पावरफुल व्यक्ति होता है उससे बड़ी लाइन खींच देता है, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला एक प्रकार का जंगल का न्याय है, मतलब ये न्याय सभ्य लोगों का नहीं है। यहां पर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, इसलिए भी बताना जरूरी था, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस, बिकॉज चॉइस इज वेरी पर्सनल थिंग। हुज एपिटाफ रीड्स कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ हॉर्समैन पास्ड बाय, ये किसका एपिटाफ है, उनका एक पोएम थी बेन बुलवेन, अंडर द बेन बुलवेन, उसी पोएम से की आखिरी लाइन है ये, तो ये जीवी शाकी है, तो जीवी शाकी नहीं है, वर्जीनिया वुल्फ, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, एक अपसर्ड प्ले है जिसे एडवर्ड एल्वी ने लिखा है, वो आपको बताया गया है, वो आपको जानना भी चाहिए, एग्जाम में आ भी सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, दोनों गीतांजलि के लिए जाने जाते हैं, जिसमें 103 पोएम है, वो भी जिसको अंग्रेजी में शांग ऑफरी नाम दिया गया है। डब्ल्यू बी एड्स की हम बात करें तो यही सही है, यहाँ पर ये उनकी पोएम थी अंडर द बेन बुलवेन, अंडर बेन बुलवेन, उसकी आखिरी, इस पोएम की आखिरी लाइन क्या है, कास्ट कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ हॉर्समैन पास बाई, इस तरीके से इसका इनका एपिटाफ है, ये डब्ल्यू वी एट्स का है, ठीक है साहब। नेक्स्ट चलते हैं, विच पोएम ऑफ डब्ल्यू वी एट्स मेंशन द नेम्स ऑफ हैमलेट, लियर, कॉर्डिलिया एंड ऑफिलिया। बाइजेंटियम ये बड़ा अच्छा पोएम है, पढ़ना चाहिए, लेडा एंड द स्वान भी पढ़ना चाहिए, और लापिस लाजुली एंड अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, सारे पोएम पढ़नी चाहिए अगर आप पढ़ सके तो, लेकिन यहां पर लापिस लाजुली में इसका जिक्र होता है। लापिस लाजुली एक प्रकार का प्रेसस ब्लू स्टोन है, क्या है, ब्लू स्टोन है, स्टोन क्या एक प्रकार का जिसको हम जेम कहते हैं, स्टोन एक प्रकार का जेम जिसको रत्न बोलते हैं, जेम है, जैसे कुछ लोग रत्न पहनते हैं स्टार को चेंज करने के लिए, जैसे आप कह सकते हैं तमाम चीजें लोग सफायर पहनते हैं, ब्लू सफायर पहनते हैं, टॉपाज पहनते हैं, या येलो सफायर जिसको क्या कहते हैं हिंदी में पुखराज कहते हैं, बहुत महंगा होता है, या नीलम बहुत महंगा होता है जिसका सनी प्रभावित रहता है, या रूबी पहनते हैं माणिक जिसको बोलते हैं, या मूंगा पहनते हैं कोरल जिनका मंगल ठीक नहीं रहता, पता नहीं मंगल ठीक रहता है, देखो अच्छे काम करो सब ठीक रहेगा, बाकी मंगल अमंगल होता रहेगा जीवन में। मतलब जब हम रेनेशा को पढ़ लेते हैं तो रेनेशा हमें पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि मैन शुड बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, अगर कोई चीज मानवता के खिलाफ है वो कोई भी हो तो सही नहीं है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। तो हम यहां पर देखें तो हमारे पास लैपिस लॉजुली पोएम है, वहां पर इन सारे कैरेक्टर्स का जिक्र आता है, और यूस्टेसिया वाई की बात करेंगे, यूस्टेसिया वाई इज अ कैरेक्टर फ्रॉम जूड द ऑब्स्क्योर, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, टेक्स अप द अर्बर विल्स, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, तो रिटर्न ऑफ नेटिव की ये कैरेक्टर है यूस्टेसिया वाई, और जो क्या कहते हैं एक रेवन हेयर्ड यंग ब्यूटी है, रेवन हेयर्ड, अगर पूछा जाए किसको रेवन हेयर्ड कहा गया है तो रेवन हेयर्ड इसी को, एकदम काले बालों वाली यंग ब्यूटी, हाँ
ये काले बालों वाली यंग ब्यूटी रेवन हेयर्ड, इसका एंसेस्ट्री की बात करें इटालियन ओरिजिन की है ये, और अट्रैक्टिव है, हाफ इटालियन एंसेस्ट्री से है। रॉ मटेरियल ऑफ डिविनिटी इसको कहा है, मतलब हार्डी ने इसको क्या कहा है, रॉ मटेरियल ऑफ डिविनिटी, ये भी पॉइंट है। रॉ मटेरियल ऑफ डिविनिटी की बात करें, डिविनिटी कहा है इसको, हार्डी ने कहा है। और इसमें वेन डिग्री वगैरह और जो टोमाशिन वगैरह दूसरे कैरेक्टर हैं, तो दूसरे कैरेक्टर के नाम में जैसे डिग्री वेन है और टोमाशिन यूब्राइट है, तो टोमाशिन आप नाम ले सकते हैं, टोमाशिन यूब्राइट, हाँ, या डिग्री वेन, तो ये अलग कैरेक्टर हैं जो कभी कभी पूछ सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें और भी कैरेक्टर हैं, बाकी ये सारे प्लेज जो सारे नॉवेल्स जो हैं, दीज आर द नॉवेल्स बाय टॉमस हार्डी, आप जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो साहब ये आपको बताना है, मुझे क्या है, मैं तो बता के चला जाऊंगा, आपको एग्जाम में आना चाहिए। थोड़ा सा पानी पी लिया साहब, ठीक है। तो आई सॉ हर विद माई ओन आईज, उसको मैंने खुद की आंखों से देखा। तो जब किसी चीज पे इम्फेसिस देते हैं, और विच वहां तो ओन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें पूछ रहा कौन सा करेक्ट है, तो सी इज कंपैरेटिवली बेटर नाउ, अब वो काफी अच्छी है। तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हमेशा जो होता है पॉजिटिव डिग्री आता है, तो इसको करेक्ट करेंगे तो यहां गुड होना चाहिए, तब करेक्ट होगा। और ही टर्न एन अथीस्ट, और जब वह एक नास्तिक बन गया। अब जब टर्न का मतलब बिकम होता है, ये मैं बता चुका हूं कई बार, जब टर्न का मतलब बिकम होता है तो उसके बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए गलत हो गया। जब टर्न का मतलब बिकम होता है तो उसके बाद कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, ना तो ए आना चाहिए, ना एन आना चाहिए, ना द आना चाहिए, कुछ नहीं हो सकता। ही टर्न एन, इसलिए गलत हो गया। नीरस डिड नॉट कम एट, और जब एट का प्रयोग जो होता है अभी तक के अर्थ में, अभी तक जिसको कहते हैं, अभी तक के अर्थ में एट का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, मतलब होना चाहिए नीरज हैज नॉट कम येट, नीरज अभी तक नहीं आई है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। सही कौन सा हो गया, मैंने आयशा हर विद माई ओन आईज, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। यहां पर ओन आपको लग सकता है गलत, लेकिन नहीं है गलत है, क्योंकि यहां पर माई ओन का मतलब मैं खुद, इंफेसिस करने के लिए ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए आप यहां पर कह सकते हैं हमारा आंसर जो है ए सही है। ठीक है साहब, और बाकी तो सब आप समझ ही गए क्या मामला है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर क्वार्टेट्स इज अ सेट ऑफ फोर पोएम्स बाय टी एस एलियट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, बट नॉर्टन इसमें है, स्टोकर है, द ड्राई सॉल्वेज है, द लिटिल गिडिंग है, तो लिटिल गिडिंग इसमें गायब है, इसमें वेस्टलैंड दिया है, तो हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें शामिल नहीं है फोर क्वार्टेट्स में, तो फोर क्वार्टेट्स में द वेस्टलैंड नहीं शामिल है, ये अपने आप में एक क्लासिक पोएम है और बड़ी पोएम है, 433 लाइन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु इज कॉल्ड एन आइकनोक्लास्ट एंड हूज थ्री फोल्ड क्रीड इज क्वेश्चन एग्जाम इन टेस्ट, जीबी शॉ, हैरोल्ड पिंटर, मार्टिन एस्लिन। जो मार्टिन एस्लिन है ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड के लिए जाने जाते हैं, हम सभी को पता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने क्वाइन किया था एल्बर्ट कॉमू से, जो मिथ ऑफ सिसिफस है वहां से इंस्पायर्ड था, टीएस एलियट, हैरोल्ड पिंटर। अगर हम बात करें तो ये बात है जीबी शॉ साहब की है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज सर्टेन दैट फाइन वीमेन ईट क्रेजी सैलेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत जरूरी लाइन है, और इस पोएम की पहली लाइन है, वंस मोर द स्टार मिज हाउलिंग। अब आप समझ गए होंगे, वंस मोर द स्टार मिज हाउलिंग, अपनी बिटिया के तीन दिन पैदा होने के बाद उन्होंने लिखा था, तो डब्ल्यू बी एट साहब ही ऐसे कर सकते हैं। अ क्रेजी सैलेड विद देयर मीट, उनका मतलब था कुछ तो बात है कि महिलाएं अपने मीट के साथ कुछ अंट संट खाती हैं, जिससे उनका दिमाग कम हो जाता है और गलत निर्णय लेती हैं, अंट संट लोगों से प्यार कर लेती हैं और भाग जाती हैं, यही बताने का मतलब यही था उनका। तो मतलब क्रेजिया अंट संट का मतलब मेरा जार्गन है, तो वो आप उसको आप मत इस्तेमाल करिएगा, इट इज अ जार्गन यूज बाई मी नॉट फॉर ऑल, तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, लाइन पढ़ के जाइएगा, आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी वगैरह जो आता है, और बाइजेंटियम भी पढ़ के जाइएगा। अमंग स्कूल चिल्ड्रन है ये, अमंग होना चाहिए स्कूल चिल्ड्रन, लेकिन ये पोइम है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर की लाइन है, आप कह सकते हैं दिस इज अ लाइन फ्रॉम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, और इसको पढ़ के भी जाइएगा आप लोग। इसकी पहली लाइन है, वंस मोर द स्टार मिज हाउलिंग। कार्पे डियम,
कार्पेडियम का मतलब होता है सीज द डे, आपको पता है सीज द डे होता है, जिसका मतलब होता है एंजॉय है, या सीज द डे या प्लग द डे, इसका मतलब प्लग द डे, कई बार मैंने बताया है, लेकिन यहां पर यह नहीं पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, खाओ पियो और मस्त रहो, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, जिंदगी को हर पल जियो या जी भर के जियो। हाँ, मर जाओगे, कोई गारंटी थोड़ी है, सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति मिले, देखो कितने अच्छे एक्टर थे, उस दुनिया में नहीं रहे बस चंद मिनटों में। तो आप किस 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 से मतलब वैमनस्य फानोगे? लेट लाइफ गो एज इट इज गोइंग ऑन, डोंट क्रिएट हर्डल्स ऑन इट्स पाथ, इसके रास्ते में हर्डल मत क्रिएट करो। तो कार्पे डियम जो है एक पोएम है, किसकी है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, हालांकि आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था शेक्सपियर ने लिखा है, शेक्सपियर ने ऐसी कोई पोएम नहीं लिखी थी, उनकी फिलॉसफी है वो, कई जगह फिलॉसफी, वो उनके सोनेट्स में भी, दो तीन सोनेट्स में भी मिल जाएगी। हाँ, और उसमें फेस्टी का डायलॉग जो एक्ट 3 सीन 2 में कहता है, ओ माय लव, ओ मिस्ट्रेस माइन, वेयर आर यू रोमिंग, तो उसमें भी वो है। तो आप कह सकते हैं कार्पे डियम पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और निजी मिस्किल के बारे में आप जानते हैं, नाइपॉल सिंडिया एंड माइन लिखा है। राजा राव के बारे में कंथापुर आप जानते हैं, 1938 में आता है। वाल्ट विटमैन को तो आप जानना ही चाहिए, वो कम से कम वो कैप्टन बाई कैप्टन जाना चाहिए, या पैसेज टू इंडिया जानना चाहिए, ये सब जानना चाहिए, जब स्वेज कैनाल के उस पर लिखी गई थी, 1869 में स्वेज कैनाल का उद्घाटन हुआ था, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइपॉल्स फर्स्ट लिटरेरी वर्क। ये नाइपॉल साहब आ गए, नाइपॉल साहब थोड़ा इंडिया के बारे में बड़ा निगेटिव रखते हैं, और इसलिए एक कारण ये भी है कि मैं इनको पसंद कम करता हूं, लेकिन मेरे पसंद करने से इनकी काबिलियत कम नहीं हो जाएगी। तो अब ये टेक्निकल सवाल होते हैं, इस तरीके के इजी सवाल होते हैं, लेकिन आपको पता होगा हाउस पर मिस्टर विश्वास, मैजिक सीट्स तो लास्ट स्टेज में आया है, द मिस्टिक मैशर, तो ये मुगल स्ट्रीट आप कह सकते हैं, ये दिस वन इज द फर्स्ट लिटरेरी वर्क आप कह सकते हैं उनका, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिमाग लगाना है। Who said I write plays with the deliberate purpose to convert the nation to my opinion? ऐसा कौन कह सकता है? आप जानते हैं जो बहुत बड़े प्रोपेगेंडिस्ट थे, बहुत बड़े आप कह सकते हैं रिफॉर्मिस्ट भी अपने आप में थे, तो उनका नाम है, ये कौन है साहब? इनका नाम है जी वी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ में अपने जीवन में इन्होंने कभी बर्नार्ड पसंद नहीं किया, ये सीधा जॉर्ज शॉ कहा जाना पसंद करते थे, बर्नार्ड नहीं कहना, ये मतलब चाहते थे कि इनको कोई बर्नार्ड ना कहे, तो ये हमारा पॉइंट है, और ये एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। Whose style has been referred to as poetic shorthand? Very, very important. Poetic shorthand, आइए रिचर्ड्स ने किसकी स्टाइल को poetic shorthand कहा है, तो whose style has been referred to as poetic shorthand, और इन्होंने बेसलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज भी कहा था, तो अब आप समझ सकते हैं बेसलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा था, और इनकी स्टाइल को उन्होंने poetic shorthand कहा था। Very important point, और ये आपको सीधा सीधा सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, By spontaneous, Wordsworth mean, मतलब poetry is an spontaneous overflow of emotion recollected in tranquility वाला जो concept है, तो spontaneous का मतलब drastic and sudden, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो कह रहा है spontaneous overflow of emotion recollected in tranquility, spontaneous का मतलब बिना रोक टोक के unforced होता है, और कैसे recollect किया गया? tranquility, शांत में, और शांत में जो होता है वो sudden नहीं होता, तो नॉट सडन, दिस वन इज द करेक्ट, तो दिस वन इज द करेक्ट, हालांकि टेक्निकल सवाल था, ये किसी को भी घुमा सकता है, अगर आप ठीक से मीनिंग नहीं जानते हैं शब्दों का, तो डेफिनेटली ये सवाल आपको घुमा सकता था, ठीक है साहब। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एसे ऑन द ड्रामेटिक कैरेक्टर ऑफ सर जॉन फॉलस्टॉफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इज रिटन बाय डॉक्टर जॉनसन, मॉरिस मॉर्गन, जीवल्स नाइट, टेनिसन, एंड आर आंसर इज मॉरिस मॉर्गन। तो बहुत ज्यादा इस पर टेक्निकल नहीं बताऊंगा, बस इतना ही जान लो कि ये इसी मॉरिस मॉर्गन का है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, हम लोंजाइनस की बात करते हैं तो फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक माने जाते हैं, और ऑन द सबलाइन जो है इनका, जिसको हिंदी में हम उदात्त सिद्धांत पढ़े, ऑन द सबलाइन, ठीक है, तो ये है लोंजाइनस को हम सबलाइन के लिए जानते हैं, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मॉर्निंग फेस, मॉर्निंग फेस के लिए आई थी 1968 में आई थी, बट साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1971 में, किसको मिला था भाई? मुल्कराज आनंद को मिला था, ठीक है। वैसे आप आर के नारायण को कब मिला था, आप मुझे बता सकते हैं कब मिला था? अलेक्जेंडर इज लाइन्स यूज बाय अलेक्जेंडर पोप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 6 फुट लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही सही है, 7 फुट लाइन,
8 फुट लाइन नहीं है, दिस वन इज द करेक्ट वन, क्योंकि समय कम है मेरे पास और आपके पास भी। द फ्रेज बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ यूज्ड बाय एसटी कॉलरेज इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफी या लिटरेरिया, कि किस चैप्टर में हुआ, चैप्टर 23 में इसके इस्तेमाल होता है, तो आप ये कह सकते हैं सीधा सीधा। एन एशे ऑन द जीनियस एंड राइटिंग ऑफ शेक्सपियर इज रिटन बाई, एन एशे ऑन द जीनियस एंड राइटिंग ऑफ शेक्सपियर इज रिटन बाई जॉन डेनिस, जॉन डेनिस ने लिखा है, जी विल्सन नाइट, थॉमस कार्लाइल, जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड एंटी इंटेलेक्चुअलिस्टिक, प्रो इंटेलेक्चुअलिस्टिक, एंटी मेटाफिजिकल ऑल, तो ये एंटी इंटेलेक्चुअलिस्टिक माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट फॉर्म ऑफ नॉवेल इज कॉमन टू फॉलोइंग ऑथर्स, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, सैमुअल बेकेट, अगर नॉवेल की बात करें तो किस तरीके, रियलिस्ट, सरियलिस्ट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, वैसे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस की बात करेंगे, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ इसमें है, तो सैमुअल बेकेट को भी हम ऐसे उसमें ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, हु वाज ऑफ द व्यू वी कैन नॉट राइट लाइक द इंग्लिश, किसका नजरिया था कि हम अंग्रेजों की तरह नहीं लिख सकते, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें लिखना भी नहीं चाहिए, मतलब उन्होंने कहा वी शुड नॉट राइट एज वेल, तो वी कैन नॉट राइट लाइक द इंग्लिश एंड वी शुड नॉट, वी कैन नॉट राइट ओनली एज एन इंडियन, ये भी उन्होंने कहा, वी कैन नॉट राइट, ये भी कहा, वी कॉन्ट राइट ओनली एज एन इंडियन, ओनली एज एन इंडियन, हम केवल इंडियन के रूप में भी नहीं लिख सकते। कंथापुरा का प्रफेश में 1938 में जो आया था, आई थिंक 38 में आया था, हाँ 1938 में आया था जो प्रफेश, उसमें ये राजा राव ने कहा था, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको पता होना चाहिए। ओनली अ कॉक स्टूड ऑन द रूफ ट्री, कोकोरिको कोकोरिको, ये लाइन है, बेसलाइन की लाइन है, हम सबको पता है। एक इसमें क्या आपको दिखता है, ऑनोमेटोपिक इफेक्ट, सेंसुअल इफेक्ट, सेंसुअस इफेक्ट, हाईली साउंडिंग इफेक्ट, तो हम बात करेंगे यहां पर ऑनोमेटोपिक इफेक्ट मिलता है हमें, तो आप ये आपको ध्यान रखना है। एंटी क्लाइमेक्स सिग्निफाइज अ लुडिक्रस डिसेंट फ्रॉम द हायर टू द लोअर इज ऑल्सो नोन एज, उसे पैथोस भी कहते हैं, ये आपको पता है। पैथोस क्या होता है आपको पता है, सार्कैज़म क्या होता है, सार्क मतलब और मतलब उसको चीड़ के रख देना, बॉडी को फाड़ के रखना, सार्केजम, बर्लेस्क, आप पता है। द एक्सप्रेशन टेनिमेंट ऑफ क्ले, जो एक्सप्रेशन जो है टेनिमेंट ऑफ क्ले जो है, फॉर बॉडी, बॉडी के लिए टेनिमेंट ऑफ क्ले इस्तेमाल हुआ है, एप्सोलम एंड एक्टोफेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एमेटोफर का एग्जाम्पल है, पेरीफ्रेसिस का एग्जाम्पल है, एंटी क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल है, ये या क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल है। दरअसल टेनिमेंट ऑफ क्ले मतलब टेनिमेंट का मतलब किराए का घर, मिट्टी का किराए का घर है ये शरीर जो है, किराए का घर है और यहाँ छोड़ेगा कहीं और चला जाएगा। दरअसल ये पेरीफ्रेसिस है, पेरीफ्रेसिस फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, मतलब जो इनडायरेक्ट या सर्कमलोक्यूशनरी एक्सप्रेशन होता है उसे पेरीफ्रेसिस कहते हैं। जैसे ग्रीन रॉब्ड सेनेटर ऑफ द माइटी वुड के लिए, माइटी वुड ओक ट्री के लिए, कीट्स ने ओक ट्री के लिए, ओक ट्री के लिए माइटी वुड का इस्तेमाल किया है, हाँ क्योंकि 100 साल तक जीता है ना, तो कुल मिला के सर्कमलोक्यूशनरी एक्सप्रेशन जो होता है, लेट मी हैव सम वाटर, तो ग्रीन रॉब्ड सेनेटर ऑफ द माइटी वुड ओक ट्री के लिए कहा गया है, या ये पेरिफ्रेसिस का मतलब एक प्रकार का कुल मिला के आप कह सकते हैं राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग समथिंग। जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है, ग्रामर में भी बात होता है, जैसे वेंट लिखा जाता है तो वेंट ना लिख करके डिड गो लिख दिया जाता है, तो डिड गो क्या हो जाएगा, वो पेरिफ्रेसिस कहलाएगा। या जैसे हम क्लेवरर होता है, क्लेवरर ना करके हम मोर इंटेलिजेंट लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा, पेरिफ्रेसिस कहलाएगा, ठीक है। बाकी आप समझ रहे हैं क्लाइमेक्स, मेटाफर, एंटीक्लाइमेक्स के बारे में सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। द वीकनिंग आई ऑफ द डे, अगेन क्या कहते हैं, द वीकनिंग आई ऑफ द डे फॉर द सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज के लिए कमजोर होते, दिन के कमजोर होते हुए आंखों का इस्तेमाल किया गया है। अगेन वी फाइंड योर पेरीफ्रेसिस, यहां पर हम दोबारा पेरीफ्रेसिस पा जाते हैं। माइओसिस क्या होता है, एक प्रकार का लेसनिंग होता है, अंडरस्टेटमेंट, जिसके अंडरस्टेटमेंट के लिए ग्रीक वर्ड है, लाइटोटीज का एंटोनिम कह सकते हैं, अंडरस्टेटमेंट है, अंडरस्टेटमेंट ये ग्रीक वर्ड के लिए अंडरस्टेटमेंट है। मेटाफर ये मेटाफर होता है, ये टाइपो है, लाइटोटीज का ये आप एक प्रकार का एंटोनिम कह सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है वीकनिंग आई ऑफ द डे जो इस्तेमाल हुआ है सेटिंग सन के लिए, वहां पर भी पेरिफ्रेसिस फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप यहां पर ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस एक ऑटोबायोग्राफी है, सॉरी एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी तो हो नहीं सकती क्योंकि लिखा किसी और ने है,
तो ये बायोग्राफी है, बायोग्राफी लिखी किसने है, द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज अ बायोग्राफी बाय जॉन फॉस्टर, ठीक है, यहाँ एफ कैपिटल में रहेगा, जॉन फॉस्टर ने लिखा, ईएम फॉस्टर ने नहीं लिखा, जेम्स बॉसवेल ने डॉक्टर जॉनसन की लिखी, एंड्रे मॉरवेल ने नहीं लिखा है, तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, Who among the following called his autobiography Life for Life's Sake? ये यहाँ पर रिचर्ड है, ये थोड़ा सा क्योंकि टफ क्वेश्चन है, आइए, रिचर्ड्स ने नहीं कहा है, वाल्टर पीटर ने भी नहीं कहा है, एज्रा पाउंड ने भी नहीं कहा है, तो अब आपको क्लियर हो गया, एक कुल मिला के जो इमेजिस थे, इमेजिस्ट इन्होंने कहा है, रिचर्ड अल्डिंगटन, ये आप कह सकते हैं आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स सवाल भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी इज एम्पावरिश्ड बाय द डिवोर्स फ्रॉम द रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड द रिलीजियस बाय इट्स सेपरेशन फ्रॉम द आर्टिस्टिक, हु सेड दिस, ऐसा किसने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सीधा नेट के पेपर से या कहीं से उठाया गया है, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब था, तो यहां पर हम टीएस इलियट की बात करेंगे, ऐसा टीएस इलियट का मानना था, ठीक है, क्योंकि हमें और भी 50 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए हम इस पे चलते हैं। इन यूजिंग द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव शब्द इस्तेमाल करने में टीएस इलियट हैड इन माइंड द फॉलोइंग पैसेज, टीएस इलियट के माइंड में एक पैसेज था, द प्रूडेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट मैचेज एवरी थॉट आर एक्ट बाय इट्स कोरिलेटिव रिटन बाय, ऐसा जो लीव्स ऑफ द ग्रास के प्रेफेस में ये बात आती है, लीव्स ऑफ द ग्रास, लीव्स ऑफ द ग्रास किसने लिखा, अब आपको पता हो गया, लीव्स ऑफ द ग्रास जो है 1855 में उसके प्रेफेस में ऐसा वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ मतलब, तो मतलब देयर शुड बी अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इमोशंस, तो उसके लिए वॉल्ट व्हिटमैन का ये लाइन जो है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोनेट्स बाय शेक्सपियर हैज 15 लाइंस इंस्टेड ऑफ यूजुअल 14 लाइंस, तो ये आपको कई बार बताया जा चुका है, अगर नहीं आपको अभी भी नहीं याद आ रहा है तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई, क्योंकि मैंने बताया है कि सोनेट नंबर 126 में तो 12 लाइंस हैं, 6 कपलेट हैं, इसमें 12 लाइंस हैं, एक पॉइंट ये भी आप जान लीजिए। सोनेट नंबर 145 की क्या खूबी है, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा है, जबकि जनरली उनके आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, लिखा गया है आयम्बिक टेट्रामीटर, मात्र ही एक सोनेट है टेट्रामीटर, ठीक है। उसके बाद सोनेट नंबर 99 जो है, इसमें ट्रेडिशनली जो है यूजुअल जो है 15 लाइन 14 लाइंस होता है सोनेट में, लेकिन इसमें जो है सोनेट नंबर 99 में 15 लाइंस है, ये आपको जानना है, ठीक है, और तो बाकी कुछ है नहीं। सोनेट नंबर 166 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये सब आप जानते हैं विद नॉन लोग। द फोर्थ एक्ट ऑफ द टेम्पेस्ट कंटेन्स, फोर्थ एक्ट में क्या है जिसमें आयरिस सेरिस और जूनो आती हैं, वो क्या करने आती हैं, आपको पता है मास्क है, वेडिंग कपल को जो नप्शल होता है उसमें वो आशीर्वाद देती हैं, सेरिस जूनो और आयरिस, सेरिस जूनो एंड आयरिस, ठीक है, ये आती हैं, तो वहां पर एक मास्क है। एक्ट फोर में कहां होता है, एक्ट फोर में, ठीक है, एक्ट फोर में, ठीक है, ये होता है एक्ट फोर में। The Golden Breath is a book by Golden Breath, William Faulkner, Ernest Hemingway, Mulkraj Anand and Robert Frost, and we know it is Mulkraj Anand, ठीक है, Golden Breath जो है वो Mulkraj Anand की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमें, What is the real name of George Orwell? George Orwell का real name क्या है, real name क्या है, Eric Blair, Sam Eric और Port Blair, मिस्टर ऑरविल। तो जॉर्ज ऑरविल का असली नाम क्या है, हम सभी को पता है जॉर्ज ऑरविल का नाम एरिक आर्थर ब्लेयर है, तो इसमें आर्थर नहीं लिखा है, मान लो कहीं ऐसे भी आए आर्थर लिखा रहे तो आर्थर भी जान लेना, एरिक आर्थर ब्लेयर, ठीक है, आर्थर ब्लेयर। दूसरी बात, ये ऑरविल जो है, ऑरविल नदी से, ऑरविल एक रिवर का नाम है, जैसे जॉर्ज ऑरविल ऑरविल क्या है, तो ऑरविल एक रिवर के नाम से है, ये भी सवाल कभी कभी बन सकता है, तो ये भी आपको जानने की जरूरत है, बाकी आपको सब पता है। और द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेटन, सेटन का मतलब क्या होता है, सिनर, सिंड, स्ट्रॉन्ग मैन, एडवर्सरी, और सेटन का मतलब क्या होता है, एडवर्सरी होता है। अब भी ये टेक्निकल सवाल है, ये इस पे फिर कभी चर्चा की जाएगी डिटेल में। मलॉक या मलोज जो भी आप पढ़ते हो, लेकिन पढ़ा जाता है मलॉक, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक वन, ये क्या है, बुल हेडेड एक डीटी है, मतलब आप कह सकते हैं बुल हेडेड है, पेगन डीटी है, मेन आर्किटेक्ट नहीं है, और लुसिफर है मेयर का आर्किटेक्ट, माउंट इन द हेल ये नहीं है, रिवर इन द हेल नहीं है, पेगन डीटी है, मलॉक, इसको मलॉक पढ़ते हैं, मलॉक और क्या है, बुल हेडेड है, ठीक है। इंडिया वाउंडेड सिविलाइजेशन इज अ
बुक भाई एक ट्रिलोजी है, इन तीनों बुक का नाम आपको बताना है। ट्रिलोजी मैंने बताया है, इंडिया है अवाउंडेड सिविलाइजेशन का उसका थर्ड पार्ट है आप कह सकते हैं। पहला 1964 में आया था, हाँ फिर 1967 में आया था। ये किसका है भाई? बी एस नायपॉल साहब का है, भारत एक आहत सभ्यता। ठीक है, जो भी रहा हो इनका, ये देखिए कोई राइटर वाइटर जो लिखते हैं ना उसको आप जिंदगी में सीरियस मत लिया करो, क्योंकि वो उसका अपना व्यक्तिगत नजरिया होता है कि देश को देखने का। वो जरूर थोड़ी है कि जो बी एस नायपाल ने जो इंडिया बता दी इंडिया वैसी है। इंडिया इज नो मोर इंडिया नाउ, इट हैज बिकम इंडियास। अब भारत भारत नहीं, अब भारतों हो गया है, क्योंकि कोई भी एक चीज भारत के बारे में सही नहीं हो सकती। शशि थरूर साहब लिखते हैं अपनी किताब में, उनके उस किताब का नाम है द एलिफेंट द टाइगर एंड द सेलफोन। उसमें एक लाइन है, उन्होंने लिखते हैं कि एनी ट्रूइज्म अबाउट अ कंट्री लाइक इंडिया कैन इमीडिएटली बी कंट्राडिक्टेड बाई अनदर ट्रूइज्म। कोई भी सच इंडिया के बारे में एक दूसरे सच के द्वारा कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। तो उनकी लाइन क्या है, एनी ट्रूइज्म अबाउट अ कंट्री लाइक इंडिया कैन इमीडिएटली बी कंट्राडिक्टेड बाई अनदर ट्रूइज्म अबाउट इंडिया। मतलब इंडिया इज नो मोर इंडिया, इट हैज बिकम इंडिया, इट शुड बी अंडरस्टूड इन इट्स प्लुरालिटी। इस तरीके की लाइन है, उसमें थोड़े बहुत हो सकता है चेंजेज हो मेरे वर्डिंग में, क्योंकि मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं याद कर पाया हूं। विच पोएम ऑफ टेनिसन हैज बीन रिफर्ड टू एज द सोलेस एंड डिलाइट, ये डिलाइट सोलेस एंड डिलाइट ऑफ एवरी हाउस वेयर पोइट्री इज लव। किस पोएम को आप ये कह सकते हैं मतलब वेयर पोइट्री इज लव्ड, किस पोएम के लिए कहा गया है और किसने कहा है? जी एच लीव्स ने कहा है, जी एच लुईस ने कहा है इसके लिए कहा है, जी एच लीव्स ने लुईस ने कहा है ये। और इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हैलम, जो उनकी एलेजी है जिसको मतलब लिखना शुरू किए, मतलब आई तो 1850 में आई। हाँ, और इसका नाम पहले वे ऑफ द शोल था और फिर और कुछ बातें इसके बारे में। हाँ, 1835 में जो उनकी डेथ हो गई थी इनके फ्रेंड की, और इसको लिखने में उन्हें 17 साल लग गए, और टोटल 131 सेक्शन है। अगर हम इंक्लूड कर लें प्रोलॉग और एपिलॉग के तो 133 हो जाएंगे, हालांकि कुछ किताबों में 132 भी मिलता है। अब वो किस लॉजिक से मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये बातें ब्रेक 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 ऑन दाई कोल गई स्टोन उसी एंड आई वुड सब जानते हैं, यूलिसीज जानते हैं, सारे पोएम्स इंपॉर्टेंट है। किसी भी पोएम की पहली और आखिरी लाइन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अभी आपके एग्जाम में पीजीटी में इसकी पहली लाइन आ गई थी द लोटस ईटर की, आपको पता है ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, कई बार बताई गई हैं। हु सेड इन मेमोरियम इज द पोएम ऑफ डिस्पेयर बट डिस्पेयर ऑफ अ रिलीजियस काइंड, इट इज सेड बाय टीएस एलियट। पहले आपको बताया जा चुका है, कई बार मैंने बताया है। और Don Juan in Hell is an episode that occurs in Act 3, Scene 2 of which play of G.V. Shah, Man and Superman. ठीक है, The Apple Cart एक political extravaganza है, जो Saint John भी आपको पढ़ना है, Arms and the Man भी पढ़ना है, बहुत important है, Arms and the Man से तो सवाल आने ही है। तो ये identify the critic who said that Chaucer lacked high seriousness, ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था इन साहब का, Matthew Arnold साहब का मानना था। और क्या है, इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइटिंग, कई बार बताया गया है द मंक, मॉन्क नहीं पढ़ा जाता, मंक पढ़ा जाता है। तो स्क्वायर इज एज फ्रेश एज अप्रैल, ये अप्रैल की तरफ फ्रेश है, जो उसका बेटा है नाइट का, और नाइट के पहली स्टोरी ह्यूमैन अपनी जिंदगी से खुश नहीं रहता, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द ब्लूम्सबरी ग्रुप इज नॉट ट्रू, इट वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ ब्रिटिश राइटर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, सही है ये द मेट, मतलब ये पॉइंट सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है ना, They met regularly and used each other's ideas. ये point भी सही है। The members included Virginia Woolf, Clive Bell, E.M. Forster, J.M. Keynes and Lytton Strachey. ये भी सही है। They favored Victorian prudishness and followed sexual. यही गलत है, इसलिए इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो यही सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। Shakespeare, A Critical Study of His Mind and Art, 1876 is a book by Edward Dowden. आपको पहले ही बताया जा चुका है। और विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर डिस्क्राइब स्लीप एज बॉम ऑफ हार्ट माइंड्स और ग्रेट नेचर्स सेकेंड कोर्स, ये किस कौन कहता है, ये कौन सा कैरेक्टर जो शेक्सपियरियन कैरेक्टर है, ये कौन सा शेक्सपियरियन कैरेक्टर कहता है? तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि एक्ट टू सीन टू में मैकबेथ ही बात कहता है, एक्ट टू सीन टू में ये मैकबेथ कहता है। ठीक है, और अ कैरेक्टर फ्रॉम अ शेक्सपियर प्ले, ये नहीं रहना चाहिए, हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मोर सिनिंग देन सिनिंग, तो साइलॉक, लेडी मैकबेथ, एंटोनियो। यहां पर लियर की बात करेंगे तो ये लियर है, किंग लियर है।
मार्डियन अ यूनक अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, ये किसमें अपीयर होता है, ये एंटोनी और क्लियोपेट्रा में अपीयर होता है, जूलियस सीजर और कोरियोलिनस में नहीं होता, हालांकि जूलियस सीजर कोरियोलिनस और एंटोनी क्लियोपेट्रा का सोर्स सेम है प्लूटार्क लाइफ, ठीक है, ये पूछ सकता है। हु सेज आर यू एम्परर ऑफ स्विट्जरलैंड इन द आर्म्स एंड द मैन में, कौन कहता है कि क्या तुम एम्परर हो, एक्ट थ्री में कहता है मेजर पेटकॉफ कहता है, हाँ किससे, ब्लंटली से मेजर पेटकॉफ कहता है एक्ट थ्री में। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है जो आर्म्स एंड द मैन, इसमें हाउ मेनी एक्ट्स, तो थ्री एक्ट्स हैं, आपको ध्यान देना है, अ थ्री एक्ट कॉमेडी है, अ थ्री एक्ट कॉमेडी, ये ध्यान देना, ठीक है। ब्लंटली और ये एक मर्सिनरी सोल्जर रहता है, आपको पता है स्विट्जरलैंड का रहता है। Who is professional soldier in the play Arms and the Man, बताया ही जा चुका है, Arms and the Man में professional soldier कौन रहता है, अब बोलो idealistic रहता है, वो idealistic नहीं, बहुत practical रहता है, ठीक है, निकोला और लुका का जानते ही हैं, निकोला नौकर रहता है, you have मतलब soul of servant उसके लिए कहती है वो। Who says what a man, is he a man, जो उससे जलता है, Sergius कहता है, किसके बारे में कहता है, ये भी कोई आदमी है, what a man, is he a man, तो यहाँ पर कौन कहता है, ये इट इज सेट बाई सर्जियस फॉर ब्लंसली, ये सर्जियस कहता है ब्लंसली के लिए कहता है, ये आपको बता दूं। हु हैज अ स्पिरिट ऑफ सर्वेंट इन द आर्म्स एंड द मैन, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, निकोला के पास है, और ये तो बड़ी बदमिजाज रहती है, हाँ तो हुम इज लुका एंगेज टू, निकोला से उसकी एंगेजमेंट है, आप कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। द प्ले आर्म्स एंड द मैन हैज इट्स सेटिंग, बल्गेरिया की सेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है। Bluntschli was a native of, वो कहाँ का native था, तो Bluntschli was a native of Switzerland, Swiss था ना वो, Switzerland था, Switzerland का native है। The lines all perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand are spoken by Lady Macbeth, कोई दिक्कत नहीं है, easiest of the easy सवाल है। Who is seen smoking cigarette in the, cigarette की spelling भी याद रखिएगा, exam में भी पूछा जा सकता है, तो इन चीजों से आप बच नहीं सकते। तो सिगरेट पीते हुए कौन दिखती है, लुका दिखती है, समझ रही है, जो थोड़ी सी बदमिजाज रहती है, अक्खड़ रहती है, जिसको आप कह सकते हैं। Whose father had, ये क्या हो गया, hand थोड़ी ना होगा, whose father had never bath in the play Arms and the Man में, किसके बाप ने कभी नहाया नहीं था, तो भाई ये जान रहे हैं, ये मेजर पेटकॉफ के पिताजी थे, ये मेजर पेटकॉफ चर्चा के दौरान आता है ऐसा। Who wants Luca to mend her ways, कौन लुका को कहता है, चेतावनी देता है कि अपने तौर तरीके सुधार ले, निकोला कहता है ऐसा, तो इजी सब द इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत। What was the cost of an Arabian, Arabian mayor होना चाहिए, एक Arabian mayor की क्या कीमत थी, जैसा according to Catherine, जो Catherine बताती है, तो ध्यान रहे लेवास वहां के सिक्के, यहाँ रुपए के नाम है वो, नहीं तो लेवास क्या होता है, 50,000, आप ध्यान रहे 50,000 है, मैंने इसको ग्रुप कम्युनिटी पे डाला था, तो उसमें ज्यादातर 500 आया था, वो गलत है, इसीलिए इसको डालना पड़ा इस सवाल को, अदरवाइज ये मैं हटा सकता था, लेकिन क्योंकि ज्यादातर उसमें मतलब 83% लोगों ने गलत उत्तर दिया था, केवल 3% लोगों ने सही उत्तर दिया था, इसलिए मुझे ये देना पड़ा। तो ये सवाल टेक्निकल सवाल है, आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोरालिटी प्ले इज डील विद लाइफ ऑफ क्राइस्ट, वो मिस्ट्री प्ले डील करता है लाइफ ऑफ क्राइस्ट, लाइफ ऑफ क्राइस्ट दो बार हो गया, लाइफ ऑफ सेंट यहां एक बार लिख दो, मान लो ये, हाँ कभी कभी कुछ विद्वान लोग कहते हैं सर आपने गलत लिख दिया, अरे भाई टाइपिंग हो जाता, मैं टाइप थोड़ी ना करता हूं। मॉरल वैल्यूज स्टोरी ऑफ द बाइबल, इस तरीके से आप देख रहे हैं, मिरेकल प्लेस स्टोरी ऑफ बाइबल से होता है, ये मॉरल वैल्यूज से होता है यहाँ पर, ठीक है। विच अमंग द राइटर मैनेज टू ऑब्टेन अ ग्रांट टू स्टडी रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इन लंडन, इसमें किसको ग्रांट मिला था, अब ग्रांट मिलने की बात करेंगे तो इसमें हैरल्ड पिंटर, यूजिन ओनील, टी एस एलियट, सलमान रुश्दी, तो इन दोनों से तो हमारा मतलब ही नहीं हुआ क्योंकि है ही नहीं सिलेबस में, तो यही हो जाएगा, हैरल्ड पिंटर की बात करेंगे और उसका बर्थडे पार्टी की जरूर बात करेंगे। हैरल्ड पिंटर वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, कब मिला था उनको, ये भी हमें पता है, ये आसान सा सवाल है बट पूछा जा सकता है। वॉट इज द पीस फ्रॉम द पेपर पिटी रीड्स अलाउड इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले, क्या पढ़ रही होती है, बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी में अ कॉमिक, अ बर्थ अनाउंसमेंट ऑफ अ गर्ल, एक बर्थ अनाउंसमेंट के बारे में छपा रहता है ऑफ अ गर्ल, तो या आप कह सकते हैं यही पढ़ रही होती है, यही पढ़ रहा होता है, पढ़ रही नहीं होती, पढ़ रहा होता है, वो मेग फीमेल है, तो ये है। और हाउ डिड हाउ ओल्ड आर मेग स्टेनली एंड लुलू इन बर्थडे, तो मेग जो है अपने 60s में है और स्टेनली जो है 30 में है, और लुलू क्या है, लुलू एक कॉकेट है,
आप कह सकते हैं 20 में है, तो आपका ऑप्शन सही हो गया। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं इसको बाय हूज सजेशन बर्थडे पार्टी फॉर स्टेनली वाज हेल्ड, किसकी सजेशन पे बर्थडे पार्टी हेल्ड की जाती है, तो यहाँ पर एक नाम है गोल्डबर्ग, हम यही डायरेक्ट चलते हैं गोल्डबर्ग के सजेशन पे। हु ट्राइज टू लीव आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द टू जेंटलमैन इन एक्ट टू, तो स्टेनली छोड़ के जाना चाहता है हाँ अब इसमें। और विच सॉन्ग वाज संग बाय मैककॉन फॉर द मैग इन बर्थडे पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द माउंटेन ऑफ मौन, उस सॉन्ग का नाम था माउंटेन ऑफ मौन, ये पूछा जा सकता है द माउंटेन ऑफ मौन, ये बता दिया एडिशनल जानकारी है द माउंटेन ऑफ मौन उस सॉन्ग का नाम था, उसमें टाइप स्पेलिंग ही लिखी है तो ये मत कहना ऐसा क्यों है सर। और वो क्या था, एक आयरिश फोक सॉन्ग था, तो आप ये कह सकते हैं, वो सॉन्ग का नाम भी आप कह सकते हैं विच सॉन्ग वॉज संग बाय मैककॉन फॉर मैग इन बर्थडे पार्टी, तो माउंटेन ऑफ मौन जो है एक आयरिश फोक सॉन्ग रहता है वो गाया जाता है, और हिम एंड ओपेरा या रैप नहीं रहता है ठीक है। और स्टाइमी या निकनेम वॉज गिवन टू गोल्डबर्ग इन बर्थडे पार्टी बाय हुम, उसकी माँ उसे बचपन में जब यंग था तब पुकारती थी स्टाइमी नाम से, हालांकि वो और कई नाम से जाना जाता है बेनी और नेट, वो अपने आप को नेट नाम से भी कहता है, नेट नेट या वेनी नाम से भी पुकारता है, वो वेनी नाम से भी पुकारता है हाँ, वेनी उसके और भी निकनेम है, तो आप कह सकते हैं ये उसकी माँ स्टाइमी नाम से पुकारती थी ठीक है, नेट नाम से भी वो अपने आप को एड्रेस करता है कौन गोल्डबर्ग ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, बेन स्टेनली वॉज कॉट इन अ कंप्रोमाइजिंग पोजिशन विद लूलू, जब अंधेरा हो जाता है व्हाट डज ही स्टार्ट डूइंग, वो क्या करने लगता है इन पिंटर्स बर्थडे, वो ही करने लगता है गिगलिंग, ही करने लगता है स्टार्ट्स गिगलिंग राइट। और नेक्स्ट देखते हैं हु डज मैककॉन एंड गोल्डबर्ग अक्यूज स्टेनली ऑफ किलिंग, वो कहते हैं अपनी वाइफ को, व्हाई डिड यू किल योर वाइफ, वो कहते हैं व्हिच वाइफ ना, तो इस तरीके से हिज वाइफ की बात करते हैं वहां पर, वो ये गलत हो गया सी, खत्म हो गया क्या बस, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा पॉज करना है मुझे दो मिनट के लिए, अभी आप लोग ऑनलाइन ही रहिएगा क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, बस दो मिनट का वक्त लगेगा क्योंकि बाद में 17 क्वेश्चन और हैं जो आपके ओके थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डबर्ग या गोल्डबर्ग होना चाहिए, गोल्डबर्ग इन पिंटर्स बर्थडे पार्टी कंपेयर्स बर्थडे टू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग से, उसकी तुलना करता है कंपेयर फिश सनसेट बियर नहीं गेटिंग अप इन द मॉर्निंग से तुलना करता है। और नेक्स्ट देखते हैं व्हाट बेवरेज वाज टेकन बाय मैक टू स्टैनलीज रूम ईच मॉर्निंग, टी लेके जाती है वो ठीक है, और उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाने के लिए उसको नाश्ते में मिलता है। व्हेन एंड वेयर वाज गिरीश कर्नाड बॉर्न, तो ये वाई भी लिख देते तो ज्यादा सही था, तो वो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, तो 19 मई 1938 ये वहाँ पैदा हुए थे। गिरीश कर्नाड के बारे में आप, वही गिरीश कर्नाड है जो एक था टाइगर मूवी में, जो सलमान खान के बॉस बने हैं, रॉ के एजेंट, रॉ के हेड बने हैं, जिनका नाम मिस्टर सिनॉय है, तो वही हैं गिरीश कर्नाड, अब दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट, बहुत अच्छे इंसान भी रहे, मैं व्यक्तिगत रूप से तो मिला नहीं, तो बस पढ़ा है, तो जहां तक पढ़ा हूं अच्छा पढ़ा हूं इनके बारे में। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी गिरीश कर्नाड डिड हिज ग्रेजुएशन, उन्होंने अब किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा, कर्नाटक आर्ट्स कॉलेज कर्नाटका, ये कहां से इन्होंने ग्रेजुएशन करा, ये भी मुद्दे की बात है, तो उन्होंने कहां से ग्रेजुएशन करा, उन्होंने बीए किया था और बीए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में किया था, तो हमारे पास ऑप्शन है, वी हैव ऑप्शन कर्नाटका आर्ट्स कॉलेज, इन्होंने बीए किया था और सबसे बड़ी बात है बीए मैथमेटिक्स में किया था, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के विषय जो थे उन्होंने लिया था, ये आपकी एडिशनल जानकारी के लिए था। नेक्स्ट देखते हैं गिरीश कर्नाड डिड हिज मास्टर्स इन फिलोसॉफी पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, और लिंकन एंड मैकडेलन कॉलेज इन ऑक्सफर्ड, यहाँ से किया था, अब देख लीजिएगा इसको, यही सही है।
विच ड्रामेटिस्ट राइट्स इट प्लेज फर्स्ट इन कन्नड़ा एंड देन ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। जाहिर सी बात है कन्नड़ा की बात करेंगे तो यही क्रिस कर्नाड की बात करेंगे, इनकी और भी रचनाएं आप पढ़ लीजिएगा। विच कैरेक्टर ऑफ हैवदना शोज द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप एज वन माइंड एंड वन हार्ट। तो ये क्या होगा, कौन सा करेक्टर करता है, देवदत्त एंड कपिला की बात होती है तो यहाँ हम देवदत्त और कपिल की बात करेंगे, ठीक है, और तो कोई हो ही नहीं सकता। देवदत्त इन कर्नाड हैवदना कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मैन ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है, मैन ऑफ बॉडी, तो कपिला हो जाएगा। द प्ले हैवदना ओपन्स विद द इन्वोकेशन ऑफ लॉर्ड गणेशा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है आप कह सकते हैं। इन विच सिटी द स्टोरी हैवदना टेक्स प्लेस, धर्मपुरा उसमें आता है, धर्मपुरा आता है, तो धर्मपुरा में होता है, दुर्गापुरा या दक्षिणापुरा या करणपुरा नहीं है। धर्मपुरा इज रूल्ड बाय विच किंग इन हैवदना, धर्मशील नाम के राजा थे वहां पर, तो ये जो है धर्मशील नाम के राजा थे। और हम देखते हैं चार्ल्स डिकेंस वॉज द सन ऑफ, उनके पाप क्या थे, क्लर्क थे आप कह सकते हैं, प्रीस्ट या राइटर फिलोसोफर नहीं थे। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डिकेंस फर्स्ट आर्टिकल वॉज प्रिंटेड इन, जाहिर सी बात है ये स्केचेज बाई बॉज, उनका सब टाइटल था, दीज वर 20 क्वेश्चन। एक और बात बताना है जो बहुत जरूरी है आपके जानना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अब आपके मन में सवाल रहेगा कि 120 क्वेश्चन आएंगे सर हम करेंगे कितना, देखो नेगेटिव मार्किंग है, बहुत अलर्ट रहिएगा, कोशिश ये करिएगा, मुझे लगता है कि अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन करके आएंगे अगर 120 में टोटल, देन टू यू विल बी गिवन अ कॉल फॉर योर इंटरव्यू, और पूरा मामला इंटरव्यू का है, नंबर हो मेंस के लिए, मेंस के लिए कॉल हो जाएगी, सॉरी इसमें मेंस है, तो मेंस के लिए मुझे लगता है 55 से 60 क्वेश्चन अपना टारगेट बनाइएगा, वहां से सारे के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। और अगर आपको सारे आ रहे हैं तो देन कहने ही क्या है, इट्स आइसिंग ऑन द केक, तो सोने पे शो आ गया है, बट मुझे नहीं लगता कि सारे क्वेश्चन किसी को नहीं आते, किसी को नहीं आते मतलब किसी को, कोई भी, इवन कोई भी हो सकता है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि मैक्सिमम करने की कोशिश करिएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है रिस्क उसी में लीजिएगा जिसमें कि आपको दो ऑप्शन क्लियर हो कि ये नहीं हो सकते, तब आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन बहुत कम है तो। और गुड लक और होप फॉर द बेस्ट, बारिश रुक जाए आप अच्छे से जाइए, स्टे हेल्थी स्टे सेफ और एंजॉय एज मच एज यू कैन। और नेगेटिव मार्किंग में ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब नेगेटिव मार्किंग रहती है तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति आसान होती है, और मुझे भी लगता है कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति आसान होगी बट डाइसी भी हो सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।